भट्टापल्ली के रहने वाले हैं। उसका घर में चोरी हुआ था, 7.5 तोला गोल्ड का चोरी हुआ। ये क्या करे बोले तो 12 तारीख को ताला डाल के, ताला वहाँ रख के मैत्री हॉस्पिटल जाके आए। जाके आने के बाद ताला वही था, ताला वैसा ही, चाबी वही था। वो क्या समझा आके घर में रहना। फिर 18 तारीख को देख लिया तो 7.5 तोला 2 नेकलेस और ये पूरा ईयर टॉप्स और रिंग्स पूरा 7.5 तोला नहीं था उसके पास, चोरी हो गया। इमिडिएटली 19th को हमारे को रिपोर्ट करे। हम लोग ये समझा क्यों बोले तो चोर है तो फिर ताला डाल के वैसे ही नहीं जाता, कोई जान पहचान वाला ये बोल के समझ के कौन कौन उसका जान पहचान वाले कौन कौन उसके घर के आते बोलकर हम पूरे लोगों का लिस्ट आउट करके हम लोग एक 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 करने के बाद एक अमजद खान बोलकर ये भी भट्टापल्ली के रहने वाला है, नूर कॉलोनी में ये इलेक्ट्रिशियन काम करता, उसके वो इंक्वायरी करे इंट्रागेशन करे तो वो कबूल लिया और पूरा मटेरियल को पूरा प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें रिकवर भी करा। वही टीम में भी अच्छा बहुत बड़ा काम करे, राजेंद्र गौड़ और कुमार गौड़ ने हमारे नरसिम्हा वो लोगों को मैं कंग्रेचुलेट करता। सर ये क्या रिलेशन रहता है लोग फरीन बेगम का और अमजद खान का, रिलेशन क्या है सर? दूर का रिलेशन, ब्रदर होता दूर से। सर अभी कितने लोग अरेस्ट हुए सर? इसमें तो एक करा एक हुआ सर। जो फर्स्ट चीटिंग केस का है जो होमगार्ड के जो सर प्लान करा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की करे थे ना अरेस्टिंग, वो भी हो जाता।